अब आप ही बताइए कि इसकी सर्दी ज्यादा हो गई है, इसकी नाक बढ़ जाए। देखिए कैसे कैसे कर रही है, कहीं हो सके तो आटा में सुबह दे, उसे में कुछ गाँट दे, तो फिर क्या करेंगे आप ही बताइए। हमारे भी नाक में छिड़की करवा रही है, बहुत ही हमको जुकाम हो जाता है ना, जल्दी सही नहीं होता, और ये जब जुकाम होता है तो ये मारने लगती है। अब बताइए किसी जुकाम में मारने को भागता है, हम तो सोचते हैं क्या तो पहले ही क्यों मारना ही चांस कर दें। आप लोग बताइएगा कि क्या बताएं, हमसे इससे परेशान हो गए। नहीं होता है तो मतलब सबको नहीं होगा। हमें तो सोचिए सर्दी 6 महीने की होती थी, 6 महीने में, अब इनके तो कोई अगर आज हुआ पर ठीक हो गई, फिर कोई छींक दिया फिर हो गया। तो ऐसा सर्दी आप तुमने नहीं होगी, पहली बार सुन रहे होंगे। हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर है, इनकी थोड़ी तगड़ी है, इसीलिए नहीं। अब बताइए कि तगड़ी कौन है, आप लोग तो गिरा होगा। बताए कि हम इतने दुबले पतले, ये इतनी तगड़ी, इसकी उम्र तो बहुत कम हो गई। बताइए तो तगड़ा होता तो खाता पीता ज्यादा, तभी तो तगड़ा होता है। नहीं, तगड़े से नहीं होता है, इम्यूनिटी पावर। अब वो शरीर में ना एक ऐसी चीज होती है कि उसमें जो है इम्यूनिटी पावर होता है, तगड़ापन मोटा पतला थोड़ी होता है। बताइए कि क्या कहें, हमसे जब उससे परेशान हो गया सर्दी जुकाम से, लग रहा है कि अंदर चला जाएगा बाहर, पूरा टेप गीला हो जाएगा, वो उसको बिन छोड़ाए छूट जाएगा टेप। अब बताइए आप लोग, अब क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ा पढ़ नहीं रही थी, हमारी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसीलिए नहीं। अब फिर भी लाइट वेट की बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए ज़्यादा दिन हो गया, 10-12 दिन, इसलिए कोई ब्लॉग नहीं पड़ा। आज हम लोग की तबीयत थोड़ा ठीक ठाक हुई है, तो सोचे कि एक वीडियो बनाते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि सर्दी की कोई स्पेशल ऐसी दवा हो कि ये खा लेंगे फिर सर्दी कभी होना नहीं, फिर सर्दी कभी होगी नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ओके बाय, गुड नाइट।